नमस्कार, हृदय से बहुत बहुत स्वागत आपका। काफी लंबे समय से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, विशेष कार्यों में व्यस्त होने के कारण आपसे मिलने की मेरी प्रबल इच्छा रहती है। मैं आज जो विशेष कार्यक्रम लेकर के आया हूँ वह पितृदोष। पितृदोष हमारे ऋषि मुनि पूर्वज इस शब्द को पितृदोष के रूप में उपयोग में लिया है, उसका एक विशेष कारण है। जब आपको यह कह दिया जाए कि पितृ का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, आप पर कृपा है, या यह पितृ आप पर यहां पर प्रसन्न है, तो फिर आप तो यही कहेंगे उन्हीं के आशीर्वाद से सब कार्य बन ही रहा है, तो उनके प्रति कुछ कार्य करने की आपकी इच्छाएं जागृत नहीं होगी। पितृ दोष कहने से उनकी कुछ इच्छाएं अपूर्ण रह गई है, वह करने की इच्छाएं स्वाभाविक आपके अंदर इच्छा बन जाएगी। दोष कहने पर पितृ की कृपा या आशीर्वाद कह दिया जाए, और फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर कोई भी ज्योतिषी या महाराज आपको यह कहे आपकी कुंडली देखकर कि आपके पितृ दोष है, तो सबसे पहले तो आप उसको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए और अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली नसीबदार समझिए। क्योंकि हमारे घर में कई सदस्य हैं और उसमें से एक आपका ही पितृ दोष है कुंडली में, तो इसका मतलब आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, विशेष तौर से उनकी इच्छाएं आपके द्वारा ही पूर्ण करवाना चाहते हैं, और हम आशा उसी से करते हैं जो हमारा कार्य संपन्न कर पाए। आपको, आप किसी को कार्य, अपना कार्य के लिए सोचते हैं और आपके मन में यह ख्याल आता है, तो आप सबसे पहले यही दिमाग में लगाएंगे कि पूर्ण दृढ़ता के साथ और पूर्ण मेरा यह कार्य संपन्न, यह मित्र या मेरा रिश्तेदार या यह व्यक्ति कर पाएगा, उसी को ही तो काम आप अपना दायित्व देंगे कार्य का। तो वैसे ही आपके पितृ दोष बन रहा है, तो आपके पूर्वज को, उनको आशा है कि आप उनकी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे, तो यह एक प्रकार से पॉजिटिव बात हुई। लेकिन आपको यह कह दिया जाता है आपके पितृ दोष है, तो आपसे कई प्रकार के पूजाएं संपन्न करवा दी जाती है, नदी के किनारे पर लेकर जाएंगे आपसे नारायण बलि, त्रिपंडी या अन्य कुछ कार्य, पिंडदान वगैरह करवाएंगे। लेकिन वह जान तो लीजिए कि पितृ दोष किस प्रकार से है। प्रत्येक पितृ दोष इतना नुकसानदायक भी नहीं होता, वह जरूर यह है कि वह आपसे कुछ इच्छाएं रख रहे हैं पितृ, आप उनकी इच्छाएं पूर्ण करें। अब पितृ दोष बनता कैसे है, सबसे पहले तो मैं आपको, आप स्वयं अपनी पत्रिका में जान सकते हैं। एक तो राहु और केतु के द्वारा, और उनका भी संबंध अन्य कई कारण है, लेकिन एक सबसे मुख्य जो कारण बनता है पितृदोष का, वह आप स्वयं जान जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी भाव में राहु और केतु विराजमान हैं, और उनके के साथ सूर्य चंद्रमा विराजमान है, सूर्य या चंद्रमा, या उनसे सप्तम भाव में, राहु के सप्तम भाव में या केतु के सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा है, उनकी दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपके पितृ दोष की संभावनाएं बन जाती है। अब उन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, वो तो किस प्रकार से परिणाम देना चाहेंगे, और वह आपको अगर समस्याएं दे रहे हैं तो कौन सी समस्याएं दे रहे हैं, उसका भी स्पष्टीकरण कर रहा हूं आपके सम्मुख। आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहला भाव
जो कि लगन कहते हैं, केंद्र कहते हैं, वहां पर अगर राहु या केतु विराजमान है, उसके साथ सूर्य या चंद्रमा विराजमान है, युति बना रहे हैं या तो दृष्टि संबंध कर रहे हैं, तो आपके स्वयं के कारण कहीं ना कहीं से पितृदोष की संभावनाएं बनती है। फिर आप विचारधाराओं से अपनी दृढ़ता नहीं रख पाते, कार्य प्रणाली में कई प्रकार के आपके अंदर थॉट जो आएंगे वो नेगेटिव होंगे। प्रत्येक कार्य के प्रति आप यह सोचेंगे यह कार्य मैं कर पाऊंगा, द्वंद बना रहेगा, शुरू होते ही द्वंद की स्थितियां बन जाएगी। अब द्वितीय भाव में यही स्थिति बनती है तो वहां से हम विचार करते हैं धन का, परिवार का, वाणी का, तो वाणी में कहीं प्रॉब्लम है या धन से संबंधित कुछ समस्याएं पितरों के द्वारा बनी है, किसी का धन हड़प लिया गया है, छीन लिया गया है, या ऐसा कोई परिवार में रहा है व्यक्ति जो विवाह नहीं कर पाया, या विवाह हो जाने के बाद में उनके संतान नहीं हुई, या घर से कहीं लापता हो गया, तो परिवार से संबंधित पितृ दोष की संभावनाएं बनती है। राहु या केतु द्वितीय भाव में होना और उसका सूर्य या चंद्रमा साथ में होना, या सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि संबंध बनना। अब तृतीय भाव में अगर यही स्थिति बनती है तो फिर यहां पर आपके छोटे भाई बहन से संबंधित कोई दोष पितरों का है। अब चतुर्थ भाव में है तो आपके माता से संबंधित पीहर, माता का पीहर से संबंधित कोई पितृ दोष की संभावनाएं बनती है। अब पंचम भाव में है तो कोई बाल गोपाल संतान से संबंधित पितृ दोष की आपके परिवार में संबंधित कोई कारण से स्थितियां बन रही है। अब छठे भाव में अगर है तो यहां पर आपके मामा मौसी के द्वारा कोई पितृ दोष की संभावनाएं हो सकती है। और अगर सप्तम भाव में है तो आपके पत्नी के द्वारा कोई पितृ दोष की संभावना, स्त्री के द्वारा पितृ दोष की उसकी संभावनाएं हो सकती है। जरूर अनिवार्य नहीं है कि आपकी पत्नी से संबंधित हो, कोई स्त्री घर में है उसके द्वारा पितृ दोष की स्थितियां बनी हुई है। अब अष्टम भाव में है तो फिर अज्ञात पितृदोष की संभावनाएं बनती है। यहां आपके परिवार में ऐसे व्यक्ति की कोई भूमि आई हुई है, यह कारण हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म लिया लेकिन उस लापता हो गया, गुम हो गया, तो ऐसी संबंधित कोई स्थितियां बनती है। अब नम्मे भाव में हो ये स्थिति तो अधार्मिक कृत्य आपके घर में कहीं ना कहीं हुआ है, यह घोषणा यहां पर बनती है। अब दसम भाव में है तो पिता के भाई बहनों के द्वारा संभावना स्थितियां बनती है। और एकादश भाव में है तब फिर आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा पितृ दोष की स्थितियां बनती है। वह और द्वादश भाव में है तो फिर कोई गुप्त किसी की हत्या हो जाना, किसी का धन ऐठ लेना, इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। और पितृ दोष इस प्रकार से ये दसों भाव में, द्वादश भावों के बारे में आपको बताया, यहां पर कौन कौन से स्थितियां बनती है। आप अपने आप को नसीबदार समझें कि वह कार्य आपसे संपन्न, पितृ ऋण आपसे संपन्न होने जा रहा है, तो उनके प्रति जो भी कार्य है वह
आप पता करें, अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सलाह लें कि ऐसी स्थिति कहीं हमारे घर में हुई है, तो आपको जानकारी अवश्य ही मालूम चल जाएगी। और वह आपको जब जानकारी हो जाती है, पितृदोष हो जाना कोई खराब नहीं है, लेकिन उनकी इच्छाएं और आप उनका अनादर करते हैं अपने परिवार समाज कुटुंब में, उन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर यह आपको समस्याओं में घटित होना पड़ता है। अपने प्रत्येक कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी बाधाएं यहां पर जो उत्पन्न होती है, विवाह नहीं हो पाना, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाना, परिवार में वृद्धि नहीं होना, या एकदम चलते चलते व्यापार में रुकावट आ जाना। तो आपको करना क्या है, उपाय भी बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने पूर्वजों की इच्छाओं के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी लें कि उनकी इच्छाएं क्या थी, वो क्या चाहते थे या क्या शेष रह गई, इस प्रकार से बन सकती है। यह भी एक प्रकार से संभावनाएं बनती है, परिवार में कोई व्यक्ति है, या तो उसका विवाह नहीं हुआ, विवाह हो गया उसके बावजूद भी उनके संतान नहीं हुई, तो जो उसने जीवन भर अपनी कमाई अपना धन इकट्ठा किया वह अपने रिश्तेदार में ही देगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं यह संभावित स्थितियां बन जाती है कि उसने उनकी सेवा की, यह भी बिल्कुल परफेक्ट बात है, उसका धर्म था उसके परिवार वालों का, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा रहती कि अगर मेरे संतान होती तो मेरा धन वह संतान लेती, तो वह एक नेगेटिविटीज आपको भोगनी पड़ जाती है। लेकिन आपने पूर्णा के साथ अपना धन उनका प्राप्त किया है, उनकी सेवाएं की है, और उन्होंने अपनी इच्छा से आपको धन दिया है, आपने छीना भी नहीं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोने में उनकी यह इच्छा अवश्य रह जाती है कि मेरी संतान होती तो वह मेरा धन का आनंद लेती, इंजॉय करती। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो श्राद्ध पक्ष आता है या संवत्सरी वार्षिक श्राद्ध जो जिस तिथि को होता है, आप अपने पूरे परिवार कुटुंब से बगैर राग द्वेष किए बड़े आनंद के साथ पूरे परिवार उसका श्राद्ध करें, आप पूरे परिवार कुटुंब भोजन करें, साथ में कुछ ब्राह्मणों को भी भोजन करवाएं और उनको प्रसन्न करें। आपको उनकी इच्छाओं का बड़ा ही ख्याल रखना पड़ेगा। तीन प्रकार से ऋण होते हैं, एक देव ऋण जो कि ईश्वर के रूप में उपकार, ऋषि ऋण जो गुरु की कृपा से, और पितृ ऋण हमारे पूर्वजों द्वारा जो आज तक हमको प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद से सारे उनकी चीजें हमें प्राप्त हुई है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। आप एक बात नोट करें कि जब आपसे कोई पैसा मांग रहा है इस भौतिक युग में, और जब वो पैसा आप उतार देते हैं, चुका देते हैं, तो आपको बड़ी तृप्ति, बड़ा आनंद, बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। उसी प्रकार से पुत्रों का ऋण उतार देने से, उनकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण कर देने से आप ऋण मुक्त भी हो जाएंगे, पितृ ऋण मुक्त भी, और आपकी कार्य जो भी कार्य में बाधाएं आ रही है वह कार्य बाधाएं दूर होगी। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिए,
अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और अच्छा लग गया हो तो लाइक भी करिए। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, आपसे मिलने पर मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, और मैं आपके लिए कुछ काम आ पाऊं, इसी खुशी के साथ मैं अब आपसे अनुमति लेना चाहूंगा अगले कार्यक्रम तक के लिए। नमस्कार।